नमस्कार दोस्तों, मैं शांति भूषण चौहान यूट्यूब गाजीपुर लवरी का चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आरपीएफ एसनरी वैकेंसी का जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ करते होंगे दोस्तों, तो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वैसे आपको भी यूज करना है। दोस्तों अपने क्रोम ब्राउज़र में जाइएगा और सरकारी रिजल्ट टाइप कीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सरकारी रिजल्ट टाइप करूँगा दोस्तों, SARKARI, जैसे दोस्तों मैंने टाइप किया और यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। वैसे ही आप लोगों को भी सर्च कर लेना है सरकारी रिजल्ट। दोस्तों सरकारी रिजल्ट के माध्यम से दोस्तों आपको लेटेस्ट जॉब एडमिट का रिजल्ट सारी चीज़ की जानकारी मिल जाती है। दोस्तों ये एक ऐसा पोर्टल है दोस्तों जिसके थ्रू नई नई वैकेंसियाँ जो होती हैं लॉन्च होती हैं, और नई नई जो है कि एडमिट कार्ड जो आते हैं दोस्तों वैकेंसियों के, उनके सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध मिलते हैं दोस्तों। तो दो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में दिखाई दे रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल एसनरी ऑनलाइन फॉर्म 2018। एसनरी का मतलब होता है दोस्तों जो ट्रेडमैन लोग होते हैं उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों। तो अगर आप हाई स्कूल पास हों दोस्तों तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करेंगे मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, तो आप लोग बने रहिए गाजीपुर लॉरी का चैनल पे दोस्तों, और मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2019। दोस्तों एसनरी का मतलब मैंने आपको बताया कि ट्रेड्समैन होता है, ये रेलवे प्रोटेक्शन भर्ती है दोस्तों, जिसमें कि आपकी अप्लीकेशन दोस्तों चालू हो रहा है 1/1/2019, यानी कि दोस्तों आपका अप्लीकेशन लिया जाएगा 1 जनवरी 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने का डेट दिया गया है दोस्तों 30/1/2019, यानी कि दोस्तों टोटल आपको 30 दिन का समय है, 1 से 30 के बीच में दोस्तों, इसके बीच में आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों और अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट पे एग्जामिनेशन फीस दिया गया है 30/1/2019, यानी दोस्तों आपका फीस भी लास्ट 30/1/2019 को ही दोस्तों आपका फीस का एग्जामिनेशन फीस का भी लास्ट डेट है। और दोस्तों इसका एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया दोस्तों, एग्जामिनेशन डेट मार्च 2019, यानी कि दोस्तों मार्च महीने में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, इसका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा दोस्तों आपका फरवरी 2019 में, यानी कि फरवरी में आपका एडमिट कार्ड दोस्तों उपलब्ध होगा और मार्च में इसका एग्जाम होगा दोस्तों। आंसर की दोस्तों इस पर लिखा गया है आफ्टर एग्जाम, यानी कि एग्जाम के कुछ दिन बाद दोस्तों, यानी कि हो सकता है कि एग्जाम आप दे के आएँ, 2 दिन बाद दोस्तों आपका आंसर की उपलब्ध हो जाए। रिजल्ट डिक्लेयर दोस्तों नोटिफिकेशन सुन लिया लिखा गया है, इसका रिजल्ट भी आपको जो है कि जल्दी ही इसका वो प्रदर्शित कर दिया जाएगा दोस्तों, आप लोग के सामने दे दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी का डेट जो है दोस्तों बहुत ही कम है, 1 महीने के अंदर आपको सारी चीज़ करना है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों फरवरी में इसका एडमिट कार्ड होगा और मार्च में दोस्तों इसका जो है कि एग्ज़ाम डेट हो जाएगा दोस्तों, एग्ज़ाम हो जाएगा, और फरवरी में एडमिट कार्ड, मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। उसके साथ साथ इसके एप्लीकेशन फ़ीस कितना है आप लोग को ये जानकारी दे दोस्तों, इसमें लिखा गया है जनरल ओबीसी के लिए ₹500 दोस्तों, जो जनरल के हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं दोस्तों वो लोग के लिए ₹500 दिया गया है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस। SC ST और फिजिकल हैंडीकेप्ड फीमेल के लिए दोस्तों लिखा गया ₹250, यानी कि जो दोस्तों रिफंडेड अमाउंट आफ्टर स्टेज फर्स्ट एग्जाम। दोस्तों अगर आप लोग अपना पहला एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको जो है जितना पैसा आपका रहेगा दोस्तों वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। जैसे कि रेलवे जो है कि अब नई ये चीज़ लॉन्च कर दी है दोस्तों, कि आप जो है कि एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों आपका पैसा वापस हो जाता है कुछ परसेंट दोस्तों। तो इस पे लिखा गया रिफंडेड अमाउंट आफ्टर स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम, यानी कि आप पहला एग्ज़ाम दे देंगे दोस्तों आपका जो पैसा रहेगा वापस कर दिया जाएगा दोस्तों। और जनरल OBC के लिए दोस्तों ₹400 लिखा गया है, SC ST के लिए, और फिजिकल हैंडीकेप्ड फीमेल के लिए दोस्तों ₹250 लिखा गया है, पे द एग्जाम थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड ओनली। दोस्तों अगर आप एग्जामिनेशन फीस कटाना चाहते हैं, अगर डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हैं दोस्तों या नेट बैंकिंग के थ्रू, तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं दोस्तों, और ऑफलाइन भी आप जो है कि डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों या पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आप इसमें यूज कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें लिखा गया है वैकेंसी डिटेल्स दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसी दोस्तों 789 पोस्ट हैं, यानी कि 789 पोस्ट हैं दोस्तों, 789 पोस्ट हैं दोस्तों इसमें टोटल वैकेंसी। और दोस्तों इसका एज लिमिट दिया गया 18 से 25 एज ऑन 1/1/2019, यानी दोस्तों आपका उम्र होना चाहिए 1/1/2019 को 18 से 25 साल, 18 से 25 साल 1/1/2019 को जो लोग होंगे वही लोग इसको आवेदन करेंगे, अगर अन्यथा एक दिन आगे या पीछे होंगे दोस्तों तो नहीं हो सकता है, वो आवेदन नहीं कर सकते दोस्तों। इसमें रीजन दिया गया है कौन कौन से रीजन में ये वैकेंसी है दोस्तों, इसमें SR, SWR, SCR, ER, ECR, SCR and ECOR and North Frontier रेलवे दोस्तों, इसमें ऐसे ऐसे करके दिया गया दोस्तों। SR टोटल पोस्ट SR और SWR, SCR में दिया गया दोस्तों 35 पोस्ट, और ER, ECR, SCR and ECOR में दोस्तों दिया गया 271 पोस्ट, और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में दिया गया दोस्तों 33 पोस्ट। दोस्तों रीजन नेम
और यहाँ पे लिखा गया दोस्तों CRWCR WR and SER में दोस्तों 89 पोस्ट है, NER NR NER NWR NCR में दोस्तों 111 पोस्ट है, RPF मेल के लिए दोस्तों 249 पोस्ट है, यानी दोस्तों टोटल 249 पोस्ट है RPF मेल के लिए। और यहाँ दोस्तों ट्रेड वाइज वैकेंसी दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, कांस्टेबल वाटर कैरियर का दिया गया दोस्तों OBC के लिए 7, जनरल के लिए 6, SC के लिए 1, और कांस्टेबल दोस्तों सफाई वाला के लिए दिया गया दोस्तों 4, और OBC के लिए, जनरल के लिए 4, OBC के लिए 5, और दोस्तों SC के लिए 1, ST के लिए 0 दोस्तों। कांस्टेबल वाशरमैन के लिए दिया गया दोस्तों जनरल के लिए 3, और जो है कि OBC ST के लिए नहीं दिया गया दोस्तों, और कांस्टेबल बार्बर के लिए दिया गया दोस्तों जनरल के लिए 2, और OBC ST ST के लिए नहीं दिया गया दोस्तों। कांस्टेबल माली के लिए दिया गया दोस्तों जनरल OBC और ST के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है दोस्तों, और टेलर के लिए दिया गया है जनरल के लिए 3 दोस्तों, OBC ST ST के लिए कोई सीट नहीं दोस्तों। कॉबलर के लिए दिया गया दोस्तों जनरल के लिए 2 सीट, और OBC ST ST के लिए कोई सीट नहीं दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये सीटें आपको सबसे ज़्यादा सीटें हमको लग रहा है दोस्तों कि वाटर कैरियर में 7 सीट हैं दोस्तों, जो कि OBC के लिए है, और यहाँ पे सफाई वाला के लिए OBC में 5 सीट दिया गया दोस्तों, और बाकी जो सीटें हैं दोस्तों वो नील हैं क्योंकि केवल जनरल के लिए हैं, सामान्य लोगों के लिए दोस्तों। और दोस्तों ये वैकेंसी जो है कंप्लीट रूप से सभी ज़िलों की, सभी राज्यों के लिए दोस्तों, सभी राज्य के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप UP के हों या बिहार के हों या कहीं के भी हों कि इसमें आवेदन नहीं कर सकते दोस्तों। ये RPF है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी दोस्तों, इसमें सभी लोग पात्र हैं इसमें आवेदन करने के लिए। और दोस्तों इसका फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स दिया गया है कि आपकी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो इस पर लिखा गया है दोस्तों हाइट लिखा गया है 165 सेंटीमीटर जनरल OBC के लिए दोस्तों, जो कि जो पुरुष हैं, और SC ST के लिए दिया गया दोस्तों 160 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर दोस्तों SC ST के लिए छूट दिया गया है। और चेस्ट में दोस्तों जनरल OBC के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर आना चाहिए, यानी एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड दोस्तों 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल और OBC के लिए, और SC ST के लिए दोस्तों 76.2 से 81.2 होना चाहिए दोस्तों SC ST के लिए। और दोस्तों फीमेल के लिए दिया गया है वही जनरल OBC के लिए 157 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर दोस्तों। और दोस्तों इसमें लॉन्ग जंप दिया गया दोस्तों 9 फीट, आपको 9 फीट लॉन्ग जंप कूदना है, और हाई जंप भी दिया गया दोस्तों इसमें 3 फीट, जो हाई जंप होता है दोस्तों 3 फीट कूदना है, और दौड़ना कितना दोस्तों 3 मिनट 40 सेकेंड दोस्तों, 800 मीटर रेस होगा आपका जो कि 3 मिनट 40 सेकेंड में। अगर आप लोग सेना में जाना चाहते हैं या RPF में जाना चाहते हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम के साथ साथ अपने दौड़ पे भी ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि 3 मिनट 40 सेकेंड में दोस्तों आपको 800 मीटर का रेस कंप्लीट करना होगा, तभी आप जो है कि इसमें क्वालिफाई हो सकेंगे दोस्तों, साथ साथ आपको एग्जामिनेशन का भी तैयारी करना होगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन जो है कि पोर्टल लिंक एक्टिवेट होगा दोस्तों 1/1/2019 को, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आई जारी हुआ है दोस्तों, और इसका लिंक आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, लिंक एक्टिवेट 1/1/2019 दोस्तों ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और उस दिन आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों indianrailways.gov.in पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफिशियल खोला दोस्तों, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई दोस्तों। अगर आप लोग के मोबाइल में नहीं खुलेगा दोस्तों तो आप लोग डेस्कटॉप साइज कर लीजिएगा, उसमें खुल जाएगा। यहाँ पे जितने भी दोस्तों वैकेंसी चाहे जो भी डिटेल्स निकलता रहेगा आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों, PNR स्टेटस ET की जितना भी जानकारी आपको चाहिए दोस्तों सारी चीज़ मिलेगी, और वैकेंसी के बारे में दोस्तों क्योंकि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया, शायद क्लिक नहीं हुआ दोस्तों, फिर से कर लेता हूँ, जैसे मैं क्लिक किया दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बोल दिया, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ दोस्तों अभी इसको, तो कुछ ही देर में दोस्तों ये डाउनलोड होकर मेरे सामने आ जाएगा दोस्तों। ये वैकेंसी बहुत कम आती है इसकी, जो एक्सलेंट ट्रेडमैन की वैकेंसी होती है दोस्तों, RPF कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आ जाती है, और इसकी वैकेंसी ट्रेड्समैन की वैकेंसी जल्दी नहीं आती है दोस्तों। दोस्तों टोटल 789 पोस्ट हैं, आप लोग भरसक कोशिश कीजिए दोस्तों, पूरा मेहनत लगा दीजिए दोस्तों कि इस वैकेंसी में हो जाएँ आप लोग दोस्तों। इसमें सैलरी वही होती है जो कॉन्स्टेबल GD के लिए होती है दोस्तों, जो लोग RPF RPSF में होते हैं दोस्तों सेम कैटेगरी होता है दोस्तों, केवल ये नाम अलग अलग होता है, लेकिन कार्य और पेमेंट दोस्तों सभी का एक होता है, तो आप लोग घबराएं नहीं दोस्तों, और इस चीज़ को इस फॉर्म को भरें दोस्तों। और मेरा वीडियो
आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और जो नए यूजर मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं कोई भी नया अपडेट डालूँ दोस्तों, ताकि जल्दी से जल्द आपके पास पहुँच जाए दोस्तों। कोई भी वैकेंसी या कोई भी चीज़ ऐसा होगा दोस्तों, आपके मोबाइल पर जल्दी से जल्द पहुँच जाएगा, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे दोस्तों। तो मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।